हरिद्वार को हरि का द्वार भी बोला जाता है। कहा जाता है भगवान विष्णु जब प्रथम बार धरती पर पैर रखे थे तो सर्वप्रथम हिमालय के नीचे हरिद्वार पर ही रखा था। हरिद्वार में गंगा जी अपने पूर्ण स्वरूप में दिखती हैं। श्री देवरा बाबा सरकार जब हरिद्वार की यात्रा पर होते थे तो बाबा का मचान हरिद्वार में गंगा जी के किनारे नील धारा पर लगता था। बाबा इन्हीं हरिद्वार के जंगलों में हाथियों को प्रसाद भी खिलाते थे और वहाँ हाथियों के भंडारे करते थे। कई बार जब ऐसा होता कि बाबा के मन में आता हाथियों को बुलाकर भंडारा किया जाए, 10-12 ट्रक गुड़ के मंगाए जाते, क्योंकि हाथियों को गन्ने से बनी मिठाई बहुत पसंद है, उन्हें गुड़ बहुत प्रिय है। इसीलिए 10 से 12 और कभी कभी अधिक ट्रक भी बाबा की आज्ञा के अनुसार गुड़ से भर करके हरिद्वार के जंगलों में पहुंचते थे। उन दिनों हरिद्वार में इतना नगरीकरण और शहरीकरण नहीं था, चारों ओर घने जंगल विराजमान थे। बाबा इन्हीं जंगलों में हाथियों का भंडारा करते थे। भंडारे में उन्हें भरपेट गुड़ खिलाया जाता। गुड़ से बनी भेली प्रत्येक हाथी को क्रम क्रम से दी जाती थी। बाबा की सेवा में श्री बड़े महाराज जी भी वहाँ रहते थे। अतः सरकार जी बताते हैं कि बाबा की एक विशेष आवाज़ पर जंगल में अधिक से अधिक हाथी उस जगह एकत्रित होने लगते। बाबा की आवाज़ ऐसी 2-3 मिनट तक जंगलों में गूंजती और फिर हाथियों के समूह का उच्चारण सुनाई देता। जंगल में तीव्र कंपन होता, एक साथ सभी दिशाओं से हाथी दौड़े चले आते। अब जब बाबा के पास आते तो सूंड से उठाकर बाबा को प्रणाम करते थे। बाबा के पास आते ही भयंकर से भयंकर हिंसक जंगली पशु अपनी हिंसावृत्ति त्याग देते थे। बाबा अष्टांग योग सिद्ध महापुरुष हैं। बाबा ने भी ये कहा है, बच्चा जब योगी में अहिंसा पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसके चारों ओर अहिंसा का ही और प्रेम का वातावरण बन जाता है। संपूर्ण चराचर प्रकृति उससे प्रेम करने लगती है। ये बातें बाबा में प्रत्यक्ष देखी जाती। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जब बाबा शेर को दीक्षा देते थे, शेर को गीता सुनाते, भालुओं को भंडारा करते थे और अन्य कई सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराय पर जाकर सब्सक्राइब करिए और गुरुजी से बाबा के सत्संग को लाइव सुन सकते हैं। बाबा के पुकारते ही जब हाथी वहाँ एकत्रित होने लगते तो लाइन लगा करके सारे जंगल में दूर तक खड़े हो जाते। बाबा एक एक करके सबको वो गुड़ की भेली दिलवाते थे। कई हाथी बीच बीच में बाबा के साथ खेल खेला करते और लाइन तोड़ करके आगे जाने का प्रयास किया करते। बाबा उन्हें जैसे ही फटकार लगाते फिर से वो अपनी लाइन में वापस पीछे जाकर लग जाते थे। ऐसा करतब करते हुए बाबा अत्यंत मनमोहक प्रतीत होते, जैसे कोई शिक्षक अपने बच्चों को अनुशासन सिखाता हो। बाबा की बातों को हाथी ध्यान से सुनते और मानते थे। कई कई हाथी बीच में से आकर दोबारा प्रसाद लेते, बाबा उन्हें हंसकर डांटते, फिर से वे हाथी वहीं उसी लाइन में लग जाते। इन सब घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी हैं श्री बड़े महाराज जी। बड़े महाराज जी ने इस भंडारे को बाबा की समाधि के बाद भी जारी रखा था। 19 जून 1990 में जब श्री देवरा बाबा ने महासमाधि ले ली थी, उसके कई वर्षों तक श्री बड़े सरकार जी और छोटे सरकार जी ने हाथियों के भंडारे की परंपरा को हरिद्वार में निभाया था। सरकार जी बताते कि बाबा के दर्शन करने के लिए वे जंगली हाथू बड़े लालायित होते, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए सभी बाबा के पास जाने का प्रयत्न करते। बाबा की फटकार लगते ही सब पीछे हो जाते। इस प्रकार ऐसा कौतुक जंगल में होता था। कई सारे घुड़ के ट्रक जब हाथियों में वितरित हो जाते तब बाबा उन्हें एक निर्धारित तिथि बताते कि बच्चा इस तिथि को फिर भंडारा होगा, और वे हाथी फिर से उसी तिथि को आकर के एकत्रित होते थे। बाबा ठीक समय वहाँ पहुँच जाते और सभी हाथियों में गुड़
समान रूप से वितरित करते थे। वो गुड़ के बड़े बड़े भेले हाथी पाकर बहुत संतुष्ट और आनंदित होते थे। सभी बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करके वापस अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते थे। श्री बड़े महाराज जी उस समय छोटे थे। एक बार हंसी हंसी में ही एक हाथी ने सरकार जी को अपनी सूंड से बहुत ऊंचा उठा लिया और फिर छोटे सरकार जी के द्वारा उससे आग्रह करने पर उन्हें दोबारा वापस वैसे ही नीचे कर दिया। श्री देवराह बाबा सरकार की लीलाओं से ऐसा प्रतीत होता कि वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के समान शक्तियाँ और सब प्राणियों में दया भाव उनमें स्पष्ट दिखाई प्रतीत होता था। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे अर्जुन, जो महात्मा ब्राह्मण हाथी गौ चांडाल और कुत्ते में भी मुझ वासुदेव को देखता है, वही महात्मा वास्तव में यथार्थ को देखता है। श्री बाबा इसीलिए सब प्राणियों से प्यारे आत्मा और बच्चा बच्चा शब्द कहकर पुकारते थे, सबको प्रेम करते थे। ऐसे योगी सम्राट की महान लीलाओं का आप भी अनुसरण और चिंतन किया करिए। जब भी समय मिले राम राम नाम की धुनी से बाबा को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर लिया कीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे।